अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही में जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप कोई भी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। तो साथ ही में आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है पाइन एप्पल सैलड की। तो बहुत ही क्रीमी सा होगा ये सैलड, और ये आप किसी भी चीज़ के साथ में खा सकते हो। चिकन ब्रोस्ट हो गया, चिकन फ्राई हो गया, आप इसके साथ में एज अ साइड सर्व कर सकते हो। तो देख लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास। तो यहाँ मैंने लिया है, एक कैन लिया है पाइन एप्पल का, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आपके पास कैन नहीं हो तो आप जो है पाइन एप्पल होता है फ्रेश, वो भी यूज़ कर सकते हैं क्यूब्स में कट करके, ठीक है। उसी के साथ में मैंने लिया है यहाँ हनी। हनी मैं यूज़ करूँगी 2 to 3 tablespoons, डिपेंड ऑन द स्वीटनेस। अगर आप फ्रेश पाइन एप्पल यूज़ करेंगे तो आपको हनी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये पाइन एप्पल जो होता है ये ऑलरेडी शुगर सिरप में होता है, तो इसलिए मैं हनी जो है कम ऐड करूँगी। उसी के साथ में मैं यूज़ करूँगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मैं यूज़ करूँगी अराउंड 1 teaspoon। साथ ही में मैं तहीना यूज़ करूँगी 1 tablespoon। चिली फ्लेक्स यूज़ करूँगी मैं 1 teaspoon to 1 tablespoon के, इतना आप जो जितना आपको स्वीट एंड स्पाइसी करना है सैलड को उतना आप ऐड कीजिए। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे हॉट सॉस, जो कि है बिल्कुल 1 teaspoon, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है मैंने। उसके साथ में यहाँ पे मेरे पास है सॉल्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप यूज़ कीजिए। उसके साथ में यहाँ पे है मेरे पास सेसमी सीड, सेसमी सीड्स मैंने ली है तकरीबन 1/2 teaspoon। उसके साथ में मेयोनीज लिया है मैंने 2 tablespoon, और थोड़ी सी मैंने फ्रेश कोरिएंडर ले ली है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सैलेड बनाना। तो सबसे पहले हम थोड़ा पाइन एप्पल को जो है चॉप कर लूंगी। तो यहाँ हम बस जो है पाइन एप्पल थोड़ा क्यूब्स में कट करके लेंगे। तो हमें सिरप नहीं यूज करना है, तो हम उस तरीके से पाइन एप्पल के स्लाइसेस को पानी ड्रेन करके जो है रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो सारे पाइनएप्पल के पीसेस मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब जो है हम इसे थोड़ा सा चॉप कर लेंगे बिल्कुल क्यूब्स में, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने, बस इतने जो है। आप फ्रेश भी यूज़ करेंगे तो आप इसी तरीके से इतना जो है इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसे कट कर लूँगी, क्योंकि ये कैन पाइन एप्पल है तो काफी सॉफ्ट है। आपको अगर पाइन एप्पल का जो है क्रंच वगैरह वैसे ही पसंद है जैसे क्रंची से होते हैं पाइन एप्पल, तो आप जो है फ्रेश वाले भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो है मैं इसे साइड में करके जो कोरिएंडर लीव्स है मैं इसे भी चॉप कर लूंगी थोड़ा सा। तो ये जो कोरिएंडर लीव्स है इसे भी हम थोड़ा फाइनली चॉप कर लेंगे। तो मैंने जो है सिर्फ लीव्स यूज किए हैं, ज्यादा स्टेम का पार्ट मैंने नहीं लिया है इसे चॉप करने के लिए। इस कोरिएंडर का जो है स्टेम का पार्ट मैं नहीं यूज करूंगी। जो ये थोड़ा थोड़ा सा शुगर सिरप ऑलरेडी है पाइनएप्पल के साथ में, वो हम यूज कर लेंगे इसमें। तो इसके बाद में मैं एक बोल ले लूँगी जिसमें मुझे सैलड बनाना है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस पॉइंट पे मैं सिर्फ पाइनएप्पल ऐड करूँगी, जो कोरिएंडर लीव्स है उसे मैं बाद में यूज करूँगी। ऐड करूँगी मैं, ऐड हो चुका है इसमें, जो ये थोड़ा सा इस तरीके से साइड कर लूँगी मैं पहले, एंड यहाँ पे जो हम इसकी ड्रेसिंग रेडी कर लेंगे, यहीं करेंगे जो थोड़ा सा शुगर सिरप है इसी में। तो इसमें मैं जो सॉल्ट एंड सेसमी सीड्स ऐड कर दूँगी, इसी के साथ में हॉट सॉस, मेयोनीज, इसी के साथ चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेंगे हम। तो चिली फ्लेक्स मैं यहाँ 1 teaspoon भरकर और थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम हल्का सा एक स्टर दे देंगे इस तरीके से, और पाइनएप्पल को मिक्स कर लेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे
जो तहीनी पेस्ट है हमारे पास, तो अगर आपके पास तहीनी नहीं हो तो आप जो है सेसमी सीड का पेस्ट बना के, मीन्स सेसमी सीड्स को हल्का सा रोस्ट करके जो है आप इसे ग्राइंड भी कर सकती है। तो ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के इतना यूज़ कर लिया है। चिली फ्लेक्स अगर मुझे ऐसा लगेगा बाद में कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट है तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दूंगी। तो ये कम्प्लीटली जो है टेस्ट करके उसे साफ करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑलिव ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून। और उसी के साथ में जो हनी है हमारे पास इसे भी ऐड कर देंगे। तो हनी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है इसमें, और इसे मैं हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल स्टर कर लूंगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये रेडी है। अगर आपको इस तरीके से इसकी जो ड्रेसिंग है ज़्यादा वो वैसे नहीं चाहिए तो आपको जो है इसका शुगर सिरप कम्प्लीटली ड्रेन करके लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो कोरिएंडर लीव्स हमने कट की है, इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये कोरिएंडर लीव्स को भी हम जो है मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो सैलड है वो रेडी है। तो मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी ताकि सीजनिंग बैलेंस कर सकूँ। तो मैं इस ड्रेसिंग को थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी सीजनिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। अगर आपको मीठा या तीखा थोड़ा करना है ज़्यादा तो आप जो है कर सकते हो उस हिसाब से। तो ये रेडी। अब मैं इसे थोड़ा चिल कर लूँगी फ्रिज में रख के ताकि अच्छा सा चिल हो जाए, और ये चिल खाने में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको इसको सर्व करके बताती हूँ। तो अब इसे चिल मैंने कर लिया था तकरीबन हाफ एन आवर टू 1 आवर मैंने इसे अच्छा चिल्ड होने के लिए लग गया था। आप देख सकते हैं इसे कंसिस्टेंसी जो हमारा ड्रेसिंग थी सारी वो अच्छे से कोट हो चुकी है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि मैंने ये कैन के पाइनएप्पल यूज़ की तो ये काफ़ी सॉफ्ट है। आप अगर जो है फ्रेश फ्रूट यूज़ करोगे तो इतना ये नहीं होगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा, अच्छा क्रंची सा होगा वो। देख सकते हैं। तो अब ये रेडी है। तो अब ये रेडी है, सर्व हो चुका है। तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए रेसिपी। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और साथ ही मैं आपको जो मेजरमेंट्स होंगे इंग्रीडियंट्स के वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।